हेलो बच्चों एंड वेलकम बैक टू द केम स्कूल। आई होप लास्ट क्लास में आपने मोल कॉन्सेप्ट का जो वीडियो था उसको अच्छे से देखा होगा और उसको समझा होगा। अगर आपको याद है तो उस पर बीच में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था और लेक्चर के एंड में भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस पूछा था, तो उसका सोल्यूशन मैं आपको इमीडिएटली दे देती हूँ ताकि आप क्रॉस वेरीफाई करो कि आपका आंसर जो है वो राइट है या रॉन्ग है। फाइन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ये जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने क्या पूछा है, कैलकुलेट द फॉलोइंग फॉर 17 ग्राम्स ऑफ अमोनिया गैस। NH3 इज अमोनिया, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बोला था, जैसे ही आप मॉलिक्यूल देखोगे उसका मॉलिक्यूलर वेट या मोलार मास कैलकुलेट कर लोगे। सो अगर आपके पास अमोनिया है तो अमोनिया का मोलार मास क्या होगा, ठीक है। नाइट्रोजन का मास नंबर इज गोइंग टू बी 14 प्लस आपके पास 3 हाइड्रोजन है, सो तीनों हाइड्रोजन के लिए यू विल टेक 1 विच इज द मास नंबर। मिला क्या आपको 17 और यूनिट क्या रहेगा आपका ग्राम्स। तो मोलार मास आपका हो गया अमोनिया का। अब हम बाकी का क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, पहला क्वेश्चन नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स आपको सॉल्व करने के लिए देखना पड़ेगा कि आपको डेटा क्या दिया हुआ है। डेटा क्या दिया है हमको, 17 ग्राम्स मास है, तो हम लोग फॉर्मूला भी कौन सा यूज करेंगे, मास वाला। सो आपका नंबर ऑफ मोल्स विल बी नाउ इक्वल टू डब्ल्यू बाय m, विच इज योर मोलर मास। तो गिवन मास अपना कितना है 17 और मोलर मास भी कितना है इसका 17, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स आपको कितना मिलेगा 1 मोल, ठीक है। सो ये हो गया आपका फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपने सॉल्व कर लिया। अब आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल गया क्योंकि ये मोल कॉन्सेप्ट है, ऑलवेज गो वाया मोल्स। मोल्स मिल गया तो हम लोग ये बाकी सब आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड फॉर 17 ग्राम्स ऑफ अमोनिया। अब हर बार कैलकुलेशन करना जरूरी नहीं होता है, थोड़ा स्पीड अप करना भी जरूरी है। सो चेक दिस, 1 मोल है, सो 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP विल ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर्स। तो आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि आपके पास 1 मोल ऑफ अमोनिया है। सो 1 मोल ऑफ अमोनिया विल ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर्स, और यू कैन से 22.4 DM³, और यू कैन से इट इज 22400 CM³ और 22400 ML। अगर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो आप इनमें से कोई भी एक फाइंड आउट कर सकते हो, जो भी अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। सो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया कितना रहेगा, 1 मोल है, तो 1 मोल में मॉलिक्यूल्स कितना होगा आपके पास, सो दैट इज गोइंग टू बी 6.022 × 10⁰²³ मॉलिक्यूल्स, राइट, ऑफ अमोनिया। नेक्स्ट, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो आपके पास नाइट्रोजन, अमोनिया के फॉर्मूला में नाइट्रोजन कितना है, एक ही है ना, सो 1 × नंबर ऑफ मोल्स कितना आया था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आया था, सॉरी, सीधा उससे मल्टीप्लाई कर लो, तो आंसर विल बी 6.022 × 10⁰²³ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, राइट। नेक्स्ट, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम पर मॉलिक्यूल कितना है, 3, सो 3 × 6.022 × 10⁰²³ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, राइट। तो अब देख लो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 18.066 × 10⁰²³, ठीक है, ये वाला पार्ट सेम रहेगा। आई होप आपने सब ने यही सॉल्व किया रहेगा और आपको सब सेम आंसर आया होगा, ठीक है। अब ये सारे सम्स बहुत ईजी है तो मल्टीपल चॉइस में आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, फाइन। नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट सम है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जनरली हम लोग ये सब टाइप जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग स्टोइशियोमेट्री इन मोल कॉन्सेप्ट। तो स्टोइशियोमेट्री इन मोल कॉन्सेप्ट के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लूंगी और इसके टाइप ऑफ सम्स हम लोग ज़्यादा सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। अब इसको मैंने इसमें ज़्यादा इंक्लूड नहीं किया था, बट ये एक एग्जाम्पल हमने होमवर्क के लिए लिया था, तो लेट्स सॉल्व दैट। अब जैसे भी हमने जब भी ये टाइप के सम्स हमने देखे तो हम लोग फर्स्ट क्या बोला था हमने कि अपना जो रिएक्शन है हम लोग उसको क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। तो देखते हैं अगर रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है। सो यहाँ पे यू कैन सी दैट यू हैव H2 विच इज 1 मोल, राइट। नेक्स्ट, तो अपने पास यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2, क्लोरीन कितना है यहाँ पे, 2, लेकिन इसमें HCl में आपके पास एक ही H और एक ही Cl है, तो बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, 2। सो नाउ लेफ्ट हैंड साइड में जितने एटम्स है राइट हैंड साइड में भी उतने ही एटम्स है, तो आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया। सेकेंड स्टेप हमने ये बोला था, जो भी आपका गिवन डेटा रहेगा उससे आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लोगे। तो गिवन देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। सो फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ईच गैस। तो ये सारी चीजें जो यहाँ पे है आपके पास, हाइड्रोजन, क्लोरीन और HCl, ऑल ऑफ देम आर गैसेस, ठीक है। सो इफ HCl ऑब्टेंड इज 146 ग्राम्स, तो HCl का मास दिया हुआ है, गिवन मास है आपके पास, दैट इज 146 ग्राम्स, तो हम लोग HCl के लिए नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जिसका भी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं उस
नीचे वो मॉलिक्यूल का नाम लिख देंगे. तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स किसका कैलकुलेट कर रहे हैं, HCl का. तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि आपने कैलकुलेशन जो किया है वो किसका किया है. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, गिवन मास है आपके पास कितना, गिवन मास अपॉन मोलर मास. हर बार फॉर्मूला लिखना भी ज़रूरी नहीं है, बट ये लास्ट टाइम मैं लिख रही हूँ. सो दिस इज गिवन मास इज 146 अपॉन मोलर मास. आपका गैस क्या है, HCl. सो क्लोरीन, इफ यू रिमेंबर द मास नंबर फॉर क्लोरीन वॉज 35.5 एंड फॉर हाइड्रोजन इट वॉज 1 इन AMU, राइट. सो 35.5 प्लस 1 दैट इज गोइंग टू बी 36.5. सो अगर आपने देखा तो ये 4 टाइम डिविजिबल है. सो आपका नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा, 4 मोल्स. तो आपके पास 4 मोल्स HCl गैस है, ठीक है. सो अगर आपके पास 4 मोल्स HCl गैस है, सो उसके हिसाब से आप रेशियो देख लो, रेशियो चेक कर लो क्या है यहाँ पे. द रेशियो इज 1:1:2. येस ऑर नो? फॉर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन यू आर गेटिंग 2 मोल ऑफ HCl, फॉर 1 मोल ऑफ क्लोरीन यू आर गेटिंग 2 मोल्स ऑफ HCl. सो अगर 2 मोल आपके पास है तो ये 1 मोल है, राइट. तो ये 4 मोल होगा तो ये उसका क्या होगा, हाफ. यस ऑर नो? सिंपल सा कैलकुलेशन, आपको सिर्फ रेशियो देखना है, ठीक है. सो फॉर 2 मोल्स ऑफ HCl, आपको 2 मोल्स HCl कब मिलेगा, जब आपके पास 1 मोल क्लोरीन है. तो जब आपके पास 4 मोल HCl है तो आपका क्लोरीन कितना होगा, इट इज गोइंग टू बी 2 मोल्स. वेरी सिंपल कैलकुलेशन. सिमिलरली अगर आपके पास 4 मोल्स HCl मिला है तो आपने H2 कितना यूज किया होगा, आपने उसका हाफ यूज किया होगा, दैट इज 2 मोल्स. देखा, आपका नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली आपको मिल गया. इट्स सो सिंपल, राइट. नेक्स्ट हमको पूछा क्या है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ईच गैस. सो अभी नंबर ऑफ मोल्स आपका सबका मिल गया है तो आप डायरेक्टली वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो. सो 1 मोल के लिए 22.4, सो 2 मोल्स के लिए कितना होगा, 2 into, यहाँ पे हम कैलकुलेट करें वॉल्यूम और ये सबका एन है, ठीक है. सो 2 into 22.4 एंड दैट इज गोइंग टू बी 44.8 liters. सिमिलरली ये भी 2 मोल्स है तो हम डायरेक्टली इसके लिए भी क्या लिख सकते हैं, 44.8 liters, राइट. नेक्स्ट ये 4 मोल्स है, सो 4 into 22.4 एंड दैट इज गोइंग टू बी 89.6 liters. तो हमको सब गैसेस का क्या मिल गया, वॉल्यूम भी मिल गया. सो हाइड्रोजन के लिए 44.8, क्लोरीन के लिए 44.8 एंड HCl के लिए कितना मिला आपको, 89.6 liters. तो जब भी आपके पास ये स्टोइकोमेट्री वाला सम आएगा, आप इसको ऐसे ही कैलकुलेट करने का ट्राई करिए. दिस इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल, आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं दिखेगा और ये चार्ट आपको बहुत क्लियरली बता देगा कि आपको कैलकुलेट और क्या करना है, फाइन. सो आई होप दिस सम इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब जो नेक्स्ट सम था ये, और अपने पास 4 सम्स हैं तो ये सब सम्स को इंडिविजुअली सॉल्व कर लेते हैं हम लोग. हैव अ लुक एट द फर्स्ट वन. यहाँ पे कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 196 grams ऑफ H2SO4. सो अगेन आपके पास मास है एंड आपको मॉलिक्यूल का फॉर्मूला दिया हुआ है, दैट इज H2SO4, ठीक है. तो मास है तो मोलर मास तो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा. सो मोलर मास H2SO4 का देख लेते हैं हम लोग. सो M फॉर H2SO4. सो आपके पास 2 हाइड्रोजन है, सो हाइड्रोजन का मास नंबर 1, सल्फर वॉज 32 एंड ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी 16, ठीक है. सो ये आपको क्या दे देगा, टोटल अगर आपने सॉल्व किया सो दिस इज गोइंग टू बी 98 grams. अब जब बहुत प्रैक्टिस करोगे तो H2SO4 और ये छोटे मोटे मॉलिक्यूल्स का आपका मास नंबर, मोलर मास नंबर आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है. सो इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको कितना आ गया, 98 grams. मोलर मास हमको 98 आ गया है. नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं. सो N इज इक्वल टू W/m. गिवन मास आपके पास ऑलरेडी है, दैट इज 196 अपॉन आपके पास क्या है, मोलर मास, दैट इज 98. आपको नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा, 2 मोल्स ऑफ H2SO4. यही हमारा क्वेश्चन था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स. सो यू हैव ऑलरेडी ऑब्टेन्ड द नंबर ऑफ मोल्स व्हिच इज 2 मोल्स ऑफ H2SO4. नाउ दिस आर वेरी सिंपल प्रॉब्लम्स. हैव अ लुक एट द नेक्स्ट वन. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 44.8 liters ऑफ SO2. तो वॉल्यूम है एंड SO2 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, यस. तो मैंने आपको यही बोला, तो पहले फाइंड आउट करो कि आपका कौन सा टाइप का सम था. पहले आपको मास दिया हुआ था तो हमने मास का फॉर्मूला यूज़ किया W/m. अब यहाँ पे वॉल्यूम दिया है हमको तो हम लोग वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे. सो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला क्या था, N इज इक्वल टू V अपॉन 22.4, राइट. नेक्स्ट आपको गिवन वॉल्यूम ऑलरेडी है आपके पास, दैट इज 44.8 liters अपॉन 22.4, राइट. सो द आंसर इज अगेन 2 मोल्स, ठीक है. तो टाइप पहचाना अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. Have a look at the last one. Calculate the number of atoms of the constituent element in 106 grams of Na2CO3.
तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, मतलब Na2CO3 में आपके पास एटम्स जो है इतने ग्राम में कितना होगा, बट उसके लिए क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, नंबर ऑफ मोल्स फर्स्ट, ऑलवेज गो वाया मोल्स. सो आपके पास 106 ग्राम्स ऑफ Na2CO3 दिया है, तो Na2CO3 का मॉलिक्युलर मास फाइंड आउट कर लेते हैं. सो मॉलिक्युलर मास ऑफ Na2CO3, सोडियम अगर आपको याद है मास नंबर वॉज 23, प्लस कार्बन इज गोइंग टू बी 12, प्लस ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी 16. एड दम अप एंड यू विल गेट दिस एज 106 ग्राम्स. सो आपको मोल और मास मिल गया. नंबर ऑफ मोल्स हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. सो आपका फॉर्मूला क्या होगा, एन इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम, राइट. सो डब्ल्यू क्या है अपना, गिवन मास क्या है अपना 106, और अभी अभी आपने क्या कैलकुलेट किया मोलार मास, वो कितना आया आपको 106. तो आपका नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया, 1. अब जब भी आपको कॉन्स्टिट्यूएंट एटम फाइंड आउट करना है, तो मैंने आपको ये बोला था पहले आप क्या कैलकुलेट कर लोगे, पहले आप टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लोगे, राइट. सो ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपको 1 मोल मिला है. सो अगर आपके पास 1 मोल ऑफ Na2CO3 है, तो 1 मोल में आपके पास मॉलिक्यूल्स कितना होगा Na2CO3 का, यू विल गेट 6.022 × 10^23 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na2CO3. अब इतने मॉलिक्यूल्स में आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट एटम, दैट इज Na कितना है, कार्बन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, ये फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है. तो हम लोग इसके लिए और एक ट्रिक ले लेते हैं. अब से हम ऐसा लिखेंगे, आपके पास फॉर्मूला है, आप इसको इंडिविजुअल एटम में स्प्लिट कर दो. तो हम देखेंगे अपने पास Na है कितना है, यू हैव 2 Na. आपके पास कार्बन कितना है, 1, एंड आपके पास ऑक्सीजन कितना है, 3 ऑक्सीजन, राइट. एंड इसको आप अपना जो कैपिटल N है, जो आपने अभी अभी कैलकुलेट किया था फॉर Na2CO3, ठीक है, उससे आप इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो. सो 2 × 6.022 × 10^23, ठीक है. कार्बन आपके पास एक ही दिख रहा है, सो 6.022 × 10^23 एटम्स ऑफ कार्बन होगा आपके पास. एंड ऑक्सीजन 3 × 6.022 × 10^23, राइट. एंड दिस विल गिव यू व्हाट, दिस विल गिव यू 12.044 × 10^23 एटम्स ऑफ सोडियम, दिस मेनी एटम्स ऑफ कार्बन, राइट. एंड सिमिलरली यू विल गेट 18.066 × 10^23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. तो जब भी आपको कॉन्स्टिट्यूएंट एटम पूछा है एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो. दिस इज अदर वे ऑफ सॉल्विंग सच टाइप ऑफ सम. सो चलिए लेट्स सॉल्व द लास्ट सम ऑफ द डे. अब यहाँ पे डेटा देखिए क्या दिया हुआ है, ठीक है. कैलकुलेट द वॉल्यूम एट STP ऑफ 88 ग्राम्स ऑफ CO2, ठीक है. तो हमको कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला है, वॉल्यूम टू फाइंड है. गिवन आपके पास क्या है, W, विच इज 88 ग्राम्स, ठीक है. W किसके लिए दिया हुआ है आपको, CO2 के लिए, फाइन. तो मास दिया हुआ है और वॉल्यूम कैलकुलेट करना है. तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग. वापस से ऑलवेज गो वाया मोल, ठीक है. सो पहले N इज इक्वल टू W अपॉन M, ठीक है. हम CO2 के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं. सो W कितना है आपका, 88 अपॉन CO2 है ना. तो CO2 का मोलर मास क्या होगा आपका, कार्बन मोलर मास ऑफ CO2, कार्बन इज 12 प्लस 2 × ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी 16, राइट. सो दैट इज 12 प्लस 32 एंड दैट इज गोइंग टू बी 44 ग्राम्स, राइट. सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे आप. सो मोलर मास ऑफ CO2 इज गोइंग टू बी 44. नंबर ऑफ मोल्स आपको कितना मिला, 2 मोल्स, राइट. अगर 2 मोल्स है तो 2 मोल्स के लिए वॉल्यूम कितना होगा, 2 × 22.4. आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, या अगर आपको फॉर्मूला यूज करना है तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो. सो देन अगेन N इज इक्वल टू V अपॉन 22.4, देयरफॉर V विल बी इक्वल टू N इंटू 22.4. आंसर क्या है आपको, सो 2 × 2 मोल्स आया था, 2 × 22.4 एंड द आंसर इज 44.8 liters ऑफ CO2, ठीक है. ये एक मेथड है, मोल कॉन्सेप्ट के जो सम्स है उसको मल्टीपल मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत बार हम लोग डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं. तो इसके लिए मैं आपको और एक मेथड दूंगी सॉल्व करने के लिए, ठीक है. सो आई होप ये आपको समझ में आया. द नेक्स्ट वन इज, देखो आपको नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आता ही है. सो हमने बोला था N इज इक्वल टू मास का फॉर्मूला और वॉल्यूम का, दोनों का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग. सो N
for CO2 will be equal to mass of CO2 upon molar mass of CO2, right? Similarly, volume के लिए formula देख लो, तो volume अगर आप calculate करना चाहते हो तो volume वाला formula, sorry, number of moles of CO2 upon volume वाला formula, volume of CO2 to 22.4. अब आपको इसमें common क्या दिख रहा है? अगर मैंने इसको equation 1 बोला और इसको equation 2 बोला, ठीक है? So check out, left hand side is same, so हम लोग directly right hand side को equate कर सकते हैं, ठीक है? तो therefore what you will get from 1 and 2, from 1 and 2 you will get W of CO2 upon molar mass of CO2 which is equal to volume of CO2 upon 22.4, ठीक है? Solve करते रहो, substitute कर लो सब. So volume, sorry, weight of CO2 कितना आया था? दिया हुआ है 88 upon molar mass हमको मिल गया था 44, volume हमको calculate कर रहे हैं, so V upon 22.4. चेक कर लो, डायरेक्टली सॉल्व करके हो गया आपका, दैट इज 44.8 लीटर्स या 44.8 DMQ, ठीक है? सो दिस वाज अदर मेथड, ठीक है? अब क्यों मैंने ये आपको बताया, एक मेथड से भी सॉल्व हो सकता था, लेकिन अगर आप कोचिंग में जाते हो या कॉलेज में जा रहे हो तो हर एक टीचर आपको अलग-अलग मेथड देगा, इसलिए मैं आपको यही बताना चाहती हूं कि मोल कांसेप्ट सॉल्व करने के लिए हमेशा मल्टीपल मेथड्स होता है, आप जिससे कंफर्टेबल हो सॉल्व और यूज दैट मेथड फॉर सॉल्विंग, ठीक है? एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू सॉल्व मोल कॉन्सेप्ट. बहुत इजी है, स्ट्रेस नहीं लिया करो, डायरेक्टली आप सॉल्व कर दो, ठीक है? आई होप दिस इज वेरी क्लियर. सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.